सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय, हो गया कमाल, अच्छा वेलकम हुआ मेरा। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग आए हैं भाई जॉल जीबी, और मैं आपको दिखाऊं यहाँ से जॉल जीबी की मार्केट। तो वो देखो सामने है जॉल जीबी की मार्केट, तो अंदर को चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अंदर कैसी जो मार्केट है। और यहाँ पर नदियों का जंक्शन भी है और नेपाल से इंडिया जाने का पुल भी है, तो हर एक चीज़ दिखाएंगे आपको। और हो सके तो वहाँ जाएंगे भी, ठीक है? तो बने रहो, चलते हैं अंदर मार्केट की। तो गाइज हम लोग आ गए हैं करेक्ट अभी जॉल जीबी मेन मार्केट में, और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से उधर तक, यहाँ से इस मोड़ के बाद 10-20 कदम के बाद थोड़ा सा और है, और यहाँ पर से जितना आपको रोड में दिख रहा है इतना ही है। तो भाई जॉल जीबी की मार्केट इतनी ही है, और यहाँ से नेपाल जाने का भी रास्ता है। और नीचे पर जो जॉल जीबी ग्राउंड है वो भी है, जहाँ जॉल जीबी का मेला लगता है, मगर वो किसी और दिन दिखाएंगे। अभी हमको एक्चुअली बैंक में काम था, SBI, तो यहाँ अंदर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस बैंक में जस्ट हमारा काम ख़त्म हो रखा है, और एक बार हम लोग ग्राउंड देख के आते हैं। यहाँ से जॉल जीबी का जो ग्राउंड है, और वहाँ से नेपाल जाने का पुल भी यहीं पर से है, तो एक बार देखते हैं कैसा जो है वो, ठीक है? तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ नदियों के संगम में, ठीक है? ये देखो, ऊपर से आती है आपकी गोरी गंगा और नीचे से आती है काली गंगा। इसको थोड़ा पास से देखते हैं और आगे जाते हैं, वहाँ पर से हमको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ऊपर से चलते हुए आ गए हैं नीचे को, और नदी ये बगल में ही है। और ये देखो यार, ये यहाँ पर नीचे रास्ते में भी रेत गिरी हुई है। मतलब कुछ ऐसा भी समय होता है जब नदी जो है नीचे से यहाँ ऊपर पहुँच जाती है, इतनी ऊंची गिरती है। तो यहाँ देखो पूरी रेत ही रेत है, और जंक्शन में थोड़ा दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अभी अच्छे से पहुँचे नहीं है उस पॉइंट में। ये देखो यहाँ से है, बस पहुँच ही गए, अब दिखाते हैं जंक्शन। दो नदियों का संगम, काली नदी और गोरी नदी, और नेपाल भी दिखाएंगे आपको। सो गाइज वी आर एट द जंक्शन, और यहाँ पर दो नदियाँ मिलती है, एक धारचूला से काली नदी, और एक आती है मुनस्यारी, मतलब ये गोरी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से आती है शायद से, यानी गोरी नदी। और मैं दिखाता हूँ आपको संगम अब। ये देखो, ये जो नदी जो आ रही है ये है काली नदी आपकी, जो धारचूला से आती है, और ये वाली नदी जो है ये है गोरी नदी जो ऊपर से आ रही है, और ये आती है आपकी हमारे गांव की तरफ से। वाओ, ये देखो, और ये दोनों नदियाँ यहाँ पे बीच में आके बिल्कुल क्लैश कर रही हैं। ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है, और ये बीच में एक तरफ से दोनों तरफ से पड़ रही हैं, तो बवंडर टाइप के भी बन रहे होंगे शायद यहाँ पे, और काफ़ी गहरा होगा यहाँ पे। और ये इस तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ देख रहे हो, जो वाला एरिया है वो पूरा नेपाल का एरिया है। और मैं आपको जो इंडिया से नेपाल जाने वाला पुल भी दिखाता हूँ, ठीक है? अगर पॉसिबल हो तो पुल में चल के भी देखते हैं, मगर यार कोई चल तो नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमको जाने देंगे। तो मैं नीचे से दिखा देता हूँ, ऊपर वाले का भरोसा नहीं भरोसा। तो गाइज ये देखो, ये है जॉल जीबी से, जॉल जीबी का पुल जो इंडिया और नेपाल को जोड़ता है। ये इस तरफ जो इस तरफ है इस तरफ है आपका इंडिया, और उस तरफ है आपका नेपाल। और ये बड़ा लंबा सा पुल है, और मैंने सुना है कि जब इसमें चलते हैं तो पुल जो है वो बहुत हिलता है, झूलने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है, तो शायद डर भी लगती होगी इसमें चलने में। और ये ग्राउंड जिसमें हम चल रहे हैं ना, तो ये वाला है आपका जॉल जीबी का मेला जो लगता है, वही वाला ग्राउंड है। ये देखो, ये है, इतना सही है ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड शायद से दोबारा बनाया है, क्योंकि एक बार जब पहले यहाँ पर बाढ़ टाइप की आई थी तभी वाला ग्राउंड पूरा टूट गया था, मगर अभी दोबारा बनाया होगा। तो अब यहाँ से ऊपर को चलते हैं, ठीक है? और मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ पुल में जाने का। मुझे नहीं लगता कि जाने देंगे, क्योंकि कोई भी आगे इधर से उधर नहीं जा रहा है, तो बंद करा होगा। यहाँ पे SSB वाले होते हैं और आर्मी वाले भी होते हैं, तो यहाँ से ऊपर से कई बार रास्ता है शायद, तो चलते हैं उधर ही को। तो गाइस हम लोग आ गए हैं पुल के करेक्ट नीचे, और ये देखो बिल्कुल यहाँ से वो उस कोने तक, अगर उतनी दूर से आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा होगा कि ये कितना है, तो देख लो कितना बड़ा पुल है, बहुत बड़ा पुल है। अब हम लोग ऊपर को चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम लोग
नीचे से आ गए हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ से देखो सीढ़ियाँ हैं। हम जाते समय शायद किसी और गलत रास्ते से चले गए थे, इसलिए पूरा घूम के आए, मगर ठीक ही हुआ, पूरा घूम के एक बार देख लिया हमने। अब एक बार चलते हैं वहाँ आर्मी में, अगर हमें जाने देते हैं पुल में तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं जाने देते हैं तो क्या ही कर सकते हैं, दूर से दिखा देंगे आपको। ओके, तो गाइज एज एक्सपेक्टेड हमको जाने नहीं दिया उस पार, क्योंकि अभी एक तो देखो दिन का टाइम है ना, तो यहाँ पे SSB वाले सब लोग वहाँ पे गेट में थे, और बोला कि मतलब मैंने बोला उस पर अब भी नहीं जाऊँगा, बस पुल के बीच में रुकूँगा हल्का सा, दूर से ही वीडियो बनाने दो, ये भी बोला मैंने, मगर ये है ना कि उनकी भी ड्यूटी है, क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा बंद है आना जाना, शाम के टाइम पे खुलता है कह रहे थे, मगर शाम तक हम रुक नहीं सकते यहाँ पे, लेट हो जाएगा शाम को। तो नीचे से तो मैंने आपको दिखाई दिया था पुल, तो वही है पुल, अब किसी और दिन आएंगे शाम के टाइम, उस दिन दिखाएंगे आपको अच्छी से। और ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, हम गलत रास्ते चले गए थे उस समय आते समय, मगर अभी आपको बिल्कुल सही वाला एंट्रेंस दिखाता हूँ मैं। ओके, ये आ गए हम जॉली भी, ये किस तरफ आए, अच्छा बैंक उधर है, हम लोग वहाँ से गए थे, और मेन एंट्रेंस यहाँ से है, जय ज्वालेश्वर महादेव, ये तो मेले का गेट है गाइस। तो पुल में जाने नहीं दिया, मगर कोई बात नहीं, नीचे से तो देख ही लिया हमने, अब किसी और दिन जाएंगे ऊपर पुल के, शाम के टाइम जाएंगे, अभी दिन हो रखी है, एक तो कोई लोग भी नहीं थे, कोई इधर उधर जा भी नहीं रहा था, इसलिए मेरे को जाने भी नहीं दिया, ये भी हो सकता है ना, और वहाँ पर से दूर से भी नहीं बनाने दिया मेरे को वीडियो, कह रहे थे कि वो होता है क्या CCTV लगी है कह रहे थे, इसलिए सब घुस हो गया। अब मिलते हैं आपसे बाद में आगे। तो यही है गाइज एंट्रेंस, जो आपको एक गेट दिख रहा है येल्लो कलर का, और मैं बताऊँ यहाँ से आगे को जाओगे तो आएगा आपका बलवा कोट, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे एंड दिखा देता हूँ, वहाँ पे कहाँ पर ये बाज़ार ख़त्म होती है, ये मोड़ से वैसे ख़त्म ही हो गई है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देखो गाइस, बस यहीं पे है बाज़ार ख़त्म, यहीं पर से तो मैं पैदल चलते हुए आया था, और यहीं पे ख़त्म हो गई है बाज़ार, अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो भाई यहाँ पे एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, और ऊपर से यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, तो मैंने पूछा यहाँ पे अभी किसी से, तो वो कह रहे थे बस आपका जियो और BSNL के नेटवर्क चलते हैं, जियो वाले ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है यहाँ पे नेटवर्क दिला के, बाकी BSNL तो सरकारी कंपनी है, तो पूरे इंडिया में फैली हुई है वो, है ना। तो यार इतनी दूर आए, लास्ट में पुल में जाने नहीं दिया हमको, ठीक है, तो सब कुछ हुआ भाई, सबसे बड़ी बात है टाइमिंग गलत हो गई ना, क्योंकि एक तो अभी दिन का टाइम है, कोई आदमी आ रहा जा रहा नहीं है, ठीक है, ऊपर से मैं अकेला, और अगर मैं जाता भी तो जो पुल है वहाँ पे वीडियो नहीं बन पाता, क्योंकि वो कह रहे थे कि CCTV है, वीडियो नहीं बनता है, अगर ज़्यादा लोग होते तो बीच में घुस के वीडियो बन भी जाता है, ठीक है ना, मगर अब क्या कर सकते हैं, अब अगली बार आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आपको पुल के अंदर का दिखाऊंगा, वैसे ऊपर से तो मैंने दिखाई दिया है आपको। तो अब टाइम भी हो ही गया है, धूप भी हो रही है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गाड़ी कहाँ रखी थी मैंने, हाँ वहाँ पर ही है गाड़ी, ठीक है, तो अगली बार ज़रूर मिलेंगे आपको, तब आपको दिखाएंगे अच्छे से यहाँ का जो पुल है उसमें चल के दिखाएंगे, मेले के टाइम भी दिखाएंगे, मेले के टाइम भी इधर उधर जाने ही देते हैं, और मेला शायद अभी होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही था, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, ओके, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।